हाय आरू, क्या खा रहे हो? नूडल्स। ये देखो, मैंने आरवी को बना के दिए थे नूडल्स। आरू को अच्छे लगे? यम्मी यम्मी इन आरू स्टमी। मैं जस्ट अभी नहाकर आई हूँ और आज है संडे, तो आज है किचन में अजय की टर्न। ठीक है, तो इसलिए आज बन रहा है फिर से अजय की फेवरेट छोले। आई गेस छोले बनेंगे, शायद कोई पूरी बनती होगी, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं, वही डिसाइड करेंगे। तो मैं नहा चुकी हूँ और आज मैंने आरवी की अलमीरा रेडी करी है। मुझे ना आपको कुछ दिखाना है, वो सारी चीजें दिखानी है जो मेरी तरफ से तैयारियां चल रही हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। तो मैंने बहुत मेहनत करके सुबह से 2 घंटे लगे पूरी अलमारी सेट करी है, सारा सामान बाहर निकाला है, मतलब जो भी चीजें यादें हैं ना। तो मैं फटाफट से पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। चॉप करने की ब्रश करना है पिछला पिछला पे खाना क्या जवाब में चावल भी डेडिकेशन देखो बंदे की डेडिकेशन। मैं देख रही हूँ, तो मैं ना आज आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने पूरा दिन में 2 घंटे लगा के आरवी की सारी अलमीरा मैंने साफ करी। मैं दिखाती हूँ कि मैंने आरवी की अलमीरा में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, कैसे मैनेज की हुई है, और उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी तैयारियां जो है। अरे प्लीज पहले अपना काम कर रहे है ना। तो ये है आरवी की अलमीरा गाइस, मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। तो ये है सारे आरवी के कपड़े। ये हर हफ्ते मुझे आरवी की अलमीरा जो है साफ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने इस वाली बास्केट में आरवी की सारी सॉक्स, रुमाल और निक्कर छोटी ना, वो मैंने इसमें रखी हुई है। और ये हैं आरवी के मोस्टली नाइट सूट्स वगैरह, जैसे कि वो कपड़े जो पुराने हो चुके हैं और आराम से बच्चा रात को पहन सकता है, वो मैंने यहाँ पे ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ये आरवी की जो है निक्कर आप कह सकते हो, है ना। तो ये है आरवी की सारी निक्कर और ये है वो सारी पैंट्स जो आरवी अपने घर में पहनती है। ठीक है, और ये मैंने अभी रिसेंट अमेजोन से लिया था, तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा है ये, मुझे 6 पेयर मिले थे, 6, तो अब बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन आए थे इसमें, 1, 2, 6 पेयर थे, कुछ अभी धुलने के लिए डाले हुए हैं। तो
तो ये इनकी कपड़ा बहुत अच्छा निकला, बहुत सॉफ्ट है। आप चाहो तो इनको बच्चों को रात को सोते समय भी पहना सकते हो। तो मैंने आरवी के लिए ये सारी चीजें खरीदी थी। एक डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक था ये, देखो कितना प्यारा डिजाइन है ये वाला, है ना, क्यूट है ना, कितना क्यूट है। तो मैं आरवी को ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े घर पे पहनाती हूँ, ये सब घर पे पहनाने वाले हैं, घर पे या फिर प्लेइंग टाइम पे ये सब पैंट्स वगैरह हैं उसकी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ कर देती हूँ। सो ये वो सारे कपड़े हैं जो आरवी अपने बाहर के ट्रिप पे पहनती है, जैसे कि ये जैकेट है, ये दोनों ट्रेडिशनल घाघरा चोली है, और ये भी आरवी की न्यू कपड़े हैं, पैंट है, शर्ट है, जो मैंने अलग अलग बाय की हुई है। उसके बाद ये आरवी की स्टॉकिंग्स जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी, ये भी मैंने फर्स्ट क्राई और हॉपस्कॉच से मैं आरवी कपड़े खरीदती हूँ। ये है आरवी की फोटो जब आरवी दो दिन की थी, तो आरवी की फोटो, ठीक है, वो मैंने यहाँ रख दिया है। और ये है फ्रॉक्स, ये फ्रॉक है, ठीक है। उसके बाद नाइट सूट्स और जीन वगैरह मैंने अलग रखी हुई है, और शर्ट्स मैंने अलग रखी है, पैंट अलग रखी है, और ट्राउजर्स अलग रखे हुए हैं। तो ये सब चीजें हैं। उस पर थोड़ा सा यहाँ पे मैं करवाती हूँ आपको, मैं थोड़ा नजदीक लेकर आती हूँ, ठीक है। ये है आरवी का सारा सिस्टम, जो इसमें आरवी की सारी क्लिप्स वगैरह हैं, जो भी मैचिंग की क्लिप्स वगैरह होती हैं सब मैंने इसमें रखा हुआ है। रबर है, क्लिप है, हेयर बैंड है, वो रखी हुई है, और यहाँ पे किनारे पे दो कॉम रखी हुई है। ये पूरा पैकेट जो है ये उसकी दवाइयों का है, जैसे कि वैसे यूजली दवाइयां यूज नहीं होती है, बट फिर भी फॉरन इमरजेंसी हमें ये दवाइयां रखनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ये हेयर बैंड है, और ये सब चीजें जो है आरवी के लगाने करने की। कुछ मैंने बाथरूम में रखी हुई है, जैसे शैम्पू है, बॉडी लोशन है, और हेड टू टो जो सोप है, वो सब चीजें मैंने वहां रखी हुई है। और ये सब चीजें मैंने आरवी के, ये अलग सा बनाया हुआ है, ये खैर मेरा है। और उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये सारी चीजें आरवी के बचपन की हैं। ये सारी चीजें, जैसे कि ना टॉवल नहीं होता बच्चों को पहनाने वाला टॉवल, उस पर छोटी सी कैप भी लगी हुई है, देखो उस पर छोटी सी कैप भी लगी हुई है, ये मैंने बड़े संभाल के रखे हुए हैं। और उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद ना, उसके बाद इस पे भी बड़ी क्यूट सी कैप लगी हुई है, आप बिल्कुल बच्चे को ना ऐसे करके पहना के कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये चीजें मैंने बड़ी संभाल के रखी हुई हैं। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे ये डायपर सेक्शन है, ठीक है, ये डायपर रखे हुए हैं, ये सारे साथ में मैंने वाइप्स रखे हुए हैं, ठीक है, और ये कुछ एक्स्ट्रा टॉवल्स रखे हुए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ये है आरवी का छोटा सा डायपर बैग रखा हुआ है, ये देखो, है ना, ये भी ऐसे करके, ये आरवी का है, ये ऐसे करके इसको यूं करके यूं करना होता है, यूं करके यूं करके और यूं, ठीक है, अच्छा लगेगा ना ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने रखा हुआ है। उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये भी ना बच्चे जब सोते हैं उस टाइम काम आएगा, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद एक और जो है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था जब आप भी छोटी थी तब टाइम गिफ्ट किया था, तो ये भी कुछ ऐसा है, ये बहुत कोजी है, तो इनको भी आप ऐसे करके फुल यूज कर सकते हो, इसमें बहुत कोजी है, बहुत कोजी है ये, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें संभाल के रखी हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे चीजें ये है, इतना कोजी बेड, बहुत सुंदर बेड है ये, बड़ा है, कोजी सा है। इसके साथ इसका ना सिरहाना भी आया था, तो ये मुझे किसी ने दिया था, गिफ्ट नहीं दिया था, किसी का यूज्ड था, उसने मुझे दिया था, क्योंकि उनके किसी काम का नहीं था। तो ये चीजें, ठीक है, तो इसमें एक सिरहाना भी यहां पर लगा हुआ है, तो अभी ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है, पर जब इसका सही टाइम आएगा यूज करने का, तब मैं इसको अच्छे से धो के
फैब्रिक कंडीशनर लगा के, अच्छे से धूप लगा के इसको मैं आराम से यूज कर सकती हूँ। तो ये सारा सामान मैंने बड़े ही, ये सारा सामान आर्मी के टाइम का है और ये सब सामान मैंने संभाल के रखा हुआ है सेकंड बेबी के हिसाब से। तो मुझे कुछ भी चीज शायद बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अपनी तरफ से काफी सारी चीजों पर तैयार हूँ इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। तो और जो ये वाली ड्रेस है ना, जब आरवी 6 मंथ की थी तब मैंने ये ड्रेस बिग बाजार से ली थी। जी हाँ, ये ड्रेस मैंने बिग बाजार से ली थी ये वाली। लेकिन पंगा ये हुआ कि आरवी जब 6 मंथ की थी ना तब आरवी थोड़ी सी गोलू मोलू सी थी तो मुझे साइज का थोड़ा पंगा हो गया और मैं चेंज नहीं करा पाई। तो ये ड्रेस बिल्कुल भी मतलब कि पहनाई ही नहीं गई, एक बार भी नहीं पहनाई गई है। ये देखो मेरे स्पाइरल्स, एक बार भी मैंने ये ड्रेस नहीं पहनाई आरवी को। यहाँ पे मैंने आरवी के चारों बैग रखे हुए हैं। एक ये है पिकाचू का बैग, इसमें आरवी की सारी पढ़ने वाली किताबें हैं, बहुत अच्छा है। ये आरवी के बर्थडे पे उसको मिला था ये, ठीक है। उसके बाद ये एक छोटा सा बैग है, इसे आप डायपर बैग भी समझ सकते हो और ये धोने वाला है, ठीक है। और ये मुझे ममा अर्थ की तरफ से मिला था जब मैंने ममा अर्थ का पूरा किट खरीदा था तब ये चीज मुझे मिली थी, तो काफी यूजेबल है ये। उसके बाद ये है फ्रोजन डिज्नी का बैग, ये है आरवी का स्कूल बैग। तो ये सारी सेटिंग जो है मैंने अभी देख सकते हो, ये सारी सेटिंग मैंने ऐसे की हुई है। तो ये सब चीजें मैं जो है अभी तैयार करके बैठी हुई हूँ और आई होप आपको मेरी सेटिंग अच्छी लगी होगी। आपको रेडी हूँ, सारी चीजें हैं मेरे पास और ये सारी चीजें आरवी की हैं और मैंने सारी चीजें जो है आरवी की संभाल के रखी हुई है ताकि सेकेंड प्रेगनेंसी या जो दूसरा बेबी आएगा या जो नेक्स्ट बेबी आएगा उस हिसाब से ये सारी चीजें रीयूज हो जाएंगी। इसीलिए जो है लोग छोटे बच्चों का कोई भी सामान अपने दूर नहीं करते हैं, तो मेरे लिए काम बहुत है। एक चीज मैं और आपको भूल गई हूँ, मैंने आरवी के सारे जितने भी आरवी के छोटे कपड़े हैं ना वो भी मैंने कहीं फेंके नहीं है, वो सब मैंने संभाल के रखे हुए हैं कि वो आने वाले टाइम पे यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसमें ना आरवी के सारे कपड़े, जो ये सारे कपड़े मैंने संभाल के रखे हैं, वे सब छोटे हैं, है ना। तो मैं अपनी तरफ से फुल प्रिपरेशन में हूं और जो भी चीजें आगे काम आएंगी यूज भी होंगी वो तो उससे मैं ले ली जाएंगी, बट जो मेन चीज होती है ना वो सब चीजें अभी मेरे पास अवेलेबल है। तो बस यही एक टूर कराना था, आज मैंने बड़ी मेहनत करी है। ये सब चीजें मैं हमेशा ऐसे ही सेट करती हूँ, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये आरवी का छोटा सा वार्डरोब टूर, ठीक है। तो चलो फिर, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ऑलरेडी जो वीडियो है 14-15 मिनट की हो चुकी है, इसमें से ही मुझे कट कट करके जो है मुझे ये वीडियो थोड़ी छोटी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज लोग पूरी नहीं देखते। तो चलो फिर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।